जी गुड इवनिंग, गुड इवनिंग एवरीवन, सभी का वेलकम है जी दोबारा हमारे लेक्चर में। मेरे ख्याल से लास्ट टाइम हम जो टॉपिक कर रहे थे वो कौन सा कर रहे थे, बोर्ड्स एंड स्ट्रिंग्स कर रहे थे ना। चल बहुत बढ़िया, आज कोशिश करेंगे कि हम बोर्ड एंड स्ट्रिंग्स को खत्म कर दें। आज हमारा मेरे ख्याल से लेक्चर तीसरा होगा। चलो जल्दी से बताओ जरा, हमने लास्ट टाइम कहाँ पे छोड़ा था। मेरे ख्याल से हम सबसे पहले सिंपल क्वेश्चंस कर चुके थे जी। मैं आपको समझा चुका था बोट ऑफ स्पीड इन स्टिल वाटर क्या होती है, या फिर बोट ऑफ स्ट्रीम जो है जी, बोट ऑफ स्ट्रीम जो है वो क्या होती है, मैं आपको ये भी समझा चुका था। या फिर बोट ऑफ अपस्ट्रीम क्या होती है, स्पीड ऑफ अपस्ट्रीम क्या होती है या स्पीड ऑफ डाउनस्ट्रीम क्या होती है, ये सारी चीजें मैं आपको समझा चुका था, ठीक है। और उसके बाद हमने कुछ क्वेश्चंस भी बनाए थे जहां पे आपके पास स्पीड ऑफ अपस्ट्रीम गिवन थी एंड स्पीड ऑफ डाउनस्ट्रीम गिवन थी, और वहां से आपने स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर निकालनी थी। और उसके बाद कुछ क्वेश्चन मैंने ऐसे दिए थे जहां पे आपके पास स्पीड ऑफ अपस्ट्रीम या डाउनस्ट्रीम गिवन थी और आपके पास स्पीड ऑफ स्टिल बोट इन स्टिल वाटर स्पीड ऑफ स्ट्रीम भी थी, तो वहां से आपने स्पीड ऑफ बोट या स्पीड ऑफ स्ट्रीम निकाली। ऐसे क्वेश्चंस किए थे शायद हमने, और उसके अलावा एक आधी वैरायटी शायद हमने और की होगी। और उसके बाद हमने क्वेश्चन कौन से स्टार्ट किए थे जहां पे आपके पास गिवन क्या होता है जी, जो डिस्टेंस है वो दोनों साइड में क्या होता है, सेम होता है, और वहां से आपके पास या तो टोटल टाइम गिवन होता है या टाइम का डिफरेंस गिवन होता है, और वहां से पूछता क्या था, डिस्टेंस पूछता था। कुछ हमने वैसे क्वेश्चन किए थे। चलो जी आगे चलते हैं। लास्ट टाइम मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया था, जरा एक बार क्वेश्चन को दोबारा लिख लेते हैं। क्वेश्चन क्या था, जी क्वेश्चन था, अ मैन कवर्स अ सर्टेन डिस्टेंस in downstream and takes 2 hours. जी शायद कुछ ऐसे क्वेश्चन है ना। And the same distance in upstream and take 3 hours and take 3 hours if the speed of water is 7 km/h then find the speed of boat in still water, then find the speed of boat in still water. देखो जी ये बेसिकली जो क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन जो है ये बोट एंड स्ट्रीम का नहीं, ये क्वेश्चन है हमारा टाइम एंड डिस्टेंस का। बिकॉज यहां पे एक फैक्टर हमें पता लग जाता है कि दोनों जगह में जाते आते हुए जी हमारा डिस्टेंस क्या है, सेम है। देखो पहले इसी क्वेश्चन को ट्राई करते हैं जी बेसिक के साथ, कि बेसिक के साथ हम इस क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे। तो जी इक्वेशन फॉर्मेट से चलते हैं। देखो जी क्या कह रहे हैं कि दोनों जगह में जाते आते हुए जी हमारा डिस्टेंस क्या है, सेम है, और एक जगह में जहां पे डाउनस्ट्रीम जाता है
वहां पे घंटे कितने लगाता है, 2 घंटे, और अगर वही डिस्टेंस किस में कवर करता है जी, अपस्ट्रीम में कवर करता है, तो जी वहां पे घंटे कितने लगाता है, 3 घंटे, ये कहना चाहते। इसका मतलब अगर मैं एक साइड पे लिख लेता हूं कि एक डिस्टेंस कवर किया गया है जी, कैसे कवर किया गया है, डाउनस्ट्रीम किया गया है, तो जी वही डिस्टेंस क्या किया जा गया है जी, अपस्ट्रीम कवर किया गया है, और यहां पे मैंने दोनों में इक्वेट क्या किया, डिस्टेंस इक्वेट किया, बिकॉज क्या कह रहे हैं, डिस्टेंस दोनों साइड पे क्या है, सेम है। अब अगर मैं आपसे सिंपली फॉर्मूला पूछू, क्या था, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो चेक करना जी डिस्टेंस की जो वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, स्पीड इंटू टाइम, यही बनेगा। तो चेक करना जी डाउन स्ट्रीम में जाते हुए हमारी स्पीड क्या होगी, स्पीड ऑफ डाउन स्ट्रीम इंटू टाइम टेकन बाय डाउन स्ट्रीम इज इक्वल टू स्पीड ऑफ अपस्ट्रीम इंटू टाइम टेकन बाय अपस्ट्रीम। और चेक करना जो डाउन स्ट्रीम में जाते हुए जो हमारा टाइम है वो कितने घंटे है, 2, और टाइम टेकन इन अपस्ट्रीम वो कितने घंटे है, 3 घंटे है। तो यहां से पता क्या लगा, यहां से पता ये लगा स्पीड ऑफ डाउन स्ट्रीम इंटू 2 स्पीड ऑफ अपस्ट्रीम इंटू 3 के बराबर आ गया। या फिर यहां से आप डायरेक्टली ये भी कह सकते हो कि जो स्पीड की रेशियो होती है उसका इनवर्स रेशियो जो है वो किसके बराबर आता है, टाइम के बराबर आता है। ये कंसेप्ट मैंने आपको बहुत अच्छे से बताया था, कहां पे बताया था, कि जब भी हमारे पास डिस्टेंस क्या होता है, सेम होता है, तो जो स्पीड की रेशियो होती है, मैं एक बार एक्सप्लेन कर ही देता हूं। लो जी एक बार आपके सामने मैं आपको एक बेसिक कंसेप्ट एक्सप्लेन कर रहा हूं। ये सिस्टम क्या कहता है कि अगर 2 केसेस में हम डिस्टेंस क्या कर रहे हैं, सेम कवर कर रहे हैं अलग अलग स्पीड से और अलग अलग टाइम से, तो डिस्टेंस किसके बराबर होता है, स्पीड इनटू टाइम, किसके बराबर होगा, स्पीड इनटू टाइम। तो चेक करना जी यहां से रेशियो क्या बन जाती है, S1 अपॉन S2 इज इक्वल टू T2 अपॉन T1। तो यहां से क्लैरिटी क्या हुई कि जो स्पीड की रेशियो है भाई उसके जो इनवर्स रेशियो बनेगी वो किसकी बनेगी, टाइम की बनेगी। ये कब होगा, जब हमारे पास डिस्टेंस हमेशा क्या होगा, सेम होगा। देखो वही चीज यहां से आ गई, यहां तक बात समझ रहे हो। अगर मैं यहां पे SD रखता हूं, यहां पे नीचे SU ले आता हूं, यहां पे नीचे क्या आ जाएगा, 2, ऊपर क्या रह जाएगा, 3, तो स्पीड की जो रेशियो है उस टाइम का जो इनवर्स रेशियो होगा उसके बराबर आ जाएगा। अब आप ही बताओ स्पीड ऑफ डाउन स्ट्रीम क्या होती है, स्पीड ऑफ डाउन स्ट्रीम होती है मैन की स्पीड प्लस पानी की स्पीड। चेक करना भाई यहाँ पे स्पीड ऑफ बोट नहीं आएगा, स्पीड ऑफ क्या आएगा, मैन आएगा। और चेक करना पानी की स्पीड कितनी है, 7, तो जी क्या बन जाएगा, M+7 इंटू 2 इज इक्वल टू, यहां पे क्या बन जाएगा भाई, M-7 इंटू 3, क्योंकि ये क्या है, स्पीड ऑफ अपस्ट्रीम। जरा सॉल्व करते हैं, चेक करना जी क्या बन गया, ये बन गया 2M, और भाई ये क्या बन गया, 14 इज इक्वल टू क्या बन गया, 3M, क्या बन गया, 21। जरा सॉल्व करते हैं, 3M-2M क्या बन गया, M, और ये 21 इधर आके क्या बन जाएगा, प्लस का या माइनस का, प्लस का, तो बन क्या जाएगा, 14+21, चेक करना जी कितना बन गया, 35 किलोमीटर पर आवर जो स्पीड बन गई है भाई, ये किसकी स्पीड बन गई है, हमारे मैन की स्पीड बन गई। तो जी क्वेश्चन में पूछी क्या रहा था, कहता जी बताओ जो मैन की स्पीड है वो कितनी होगी, तो जी मैन की स्पीड यहां से आ जाएगी, दैट इज 35 किलोमीटर पर आवर। भाई ये इस क्वेश्चन को करने का क्या था, बिल्कुल बेसिक कंसेप्ट था भाई, जिनको ये आइडिया क्लियर नहीं था प्लीज इसको नोट कर लो, अभी हम इसका यूज भी करेंगे। ये बेसिक एक कंसेप्ट है कि जहां पे डिस्टेंस हमारा क्या होगा, सेम होगा, तो वहां पे जो स्पीड की रेशियो होगी तो वहां पे टाइम की रेशियो क्या होगी, इनवर्स होगी। क्या यहां तक क्लियर हो रहा है, जल्दी से नोट करो फिर आगे चलेंगे। वैसे हमें ये मेथड फॉलो नहीं करना, ये बहुत घटिया सा बेकार सा मेथड है, हम थोड़े से अच्छे मेथड पे चलेंगे, जहां पे डिस्टेंस की तो बात ही नहीं कर रहा, जहां पे बात इसकी कर रहा है जो यहां पे स्पीड की बात कर रहा है, तो टाइम से डायरेक्टली हम स्पीड पे कैसे जा सकते हैं उस पे चलेंगे। पहले नोट करो फिर चलेंगे। देखो यार, अगर मैं इस क्वेश्चन को करना चाहता तो मैं कैसे करता, जरा उस चीज पे चलते। देखो जी हम वही मेथड लगाएंगे कि पहले सारा कुछ हम अपनी मनमर्जी से करेंगे, लास्ट में क्वेश्चन को कन्वर्ट कर देंगे एक्चुअल सिचुएशन में।
यहां पे हम कंसेप्ट कौन सा यूज करेंगे जी, ये वाला कंसेप्ट। ये कंसेप्ट कहता क्या है जी, एक है केस कौन सा डाउनस्ट्रीम वाला और एक कौन केस कौन सा है अपस्ट्रीम वाला। तो मुझे यहां पे गिवन क्या है जी, मुझे यहां पे टाइम की रेशो गिवन है, डाउनस्ट्रीम में अगर 2 घंटे लगाता है तो जी अपस्ट्रीम में कितने घंटे लगाता होगा, 3। तो टाइम की जो रेशो बन जाएगी वो क्या बन जाएगी, 2:3। और अभी आपको बताया है कि जो टाइम के उल्टा होगा वो किसकी रेशो बन जाएगी जी, वो बन जाएगी स्पीड की रेशो। तो चेक करना स्पीड ऑफ डाउनस्ट्रीम क्या बन जाएगा, 3, और स्पीड ऑफ अपस्ट्रीम क्या बन जाएगा, 2। बिकॉज इस केस में जी डिस्टेंस दोनों साइड पे क्या है, सेम है। नहीं, क्या ये बात समझ में आ रही है मैं क्या कहना चाहता हूं। अब देखो यहां पे क्वेश्चन क्या बन गया, क्वेश्चन ये बन गया स्पीड ऑफ डाउनस्ट्रीम जो है वो कितनी है, 3 है, और स्पीड ऑफ अपस्ट्रीम जो है वो कितनी है, 2 है। अब यहां पे सारा काम मैं अपने अकॉर्डिंग कर रहा हूं और मुझे करना क्या है, इसे एक्चुअल सिचुएशन में लेके जाना है। और एक्चुअल सिचुएशन क्या कह रही है कि स्पीड ऑफ पानी की जो है भाई वो कितनी है, 7 है। बात समझ रहे हो? तो क्या इन सिचुएशन से क्या मैं सिर्फ पानी की स्पीड पे जा सकता हूं? जरा सेकंड वैरायटी याद करो जो हमने क्वेश्चंस की थी कि अगर आपको डाउनस्ट्रीम स्पीड पता है और आपको अगर अपस्ट्रीम स्पीड पता है तो वहां से आप स्पीड ऑफ मैन या स्पीड ऑफ वाटर पे कैसे जा सकते हो, सिखाया तो था। या तो क्या कर दो, दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड कर दो, 3 और 2 कितना हो गया, 5, 5/2 कितना हो गया, 2.5। तो दैट मीन्स जो 2.5 आएगी वो किसकी आएगी, आप ही बताओ किसकी आएगी भाई, 2.5 आ जाएगी हमारे इसकी, मैन की। और अगर मैं आपसे पानी की बात करूं तो क्या सिखाया था कि दोनों को माइनस करके 3 - 2 कितना आ गया, 1 का आधा कर दो, जो भी आएगी वो क्या आ जाएगी, स्पीड ऑफ वाटर। तो चेक करना स्पीड ऑफ वाटर क्या आ जाएगी, 0.5 किलोमीटर पर आ। या फिर दूसरा तरीका क्या सिखाया था कि 3 में से 2 माइनस कर दो कितना आएगा, 1, बराबर बराबर बांटो कितना बना, 0.5 0.5। तो वाटर की जो स्पीड है वो कितनी है, 0.5, और जो बोट की स्पीड या मैन की स्पीड बन जाएगी वो कितनी ज्यादा होगी, 2 ज्यादा होगी। तो 2 + 1/2 कितना बन गया, 2.5। अब जो भी है मैंने डेटा पे काम किया है, ये सारा डेटा मेरी सिचुएशन के अकॉर्डिंग आया है जब मैं काम कर रहा हूं रेशो के अकॉर्डिंग जी। अब इसे कन्वर्ट करते हैं एक्चुअल सिचुएशन में, कहता जो पानी की स्पीड है भाई वो कितनी है, कहता 0.5 नहीं, कितनी है, 7 किलोमीटर पर आवर। मतलब अब मैं यहां पे क्या कर रहा हूं जी, एक्चुअल सिचुएशन में कन्वर्ट कर रहा हूं। तो चेक करो जी, 0.5 को 7 बनाने के लिए किससे मल्टीप्लाई करूंगा, 7/0.5 से करूंगा। और मैं यहां से 0.5 खत्म करता हूं तो चेक करना डिवाइड बाय क्या हो जाएगा, 10, और वो 10 ऊपर जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। तो चेक करना कितना बन गया, 5 × 2 = 10। तो ले देखे मैं कितने से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, 14 से मल्टीप्लाई कर। तो जी मैं यहां पे भी क्या करता हूं जी, 14 से मल्टीप्लाई करता हूं, चेक करते हैं जी आंसर सेम आएगा कि नहीं आएगा। 14 × 2.5, पॉइंट हटाता हूं कितना बन गया, 10 जी, 5 × 5 = 25, 5 × 2 = 10, 2 × 7 = 14 कितना बन गया, 7 × 5 कितना बन गया, 35 किलोमीटर पर आवर। इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो बननी चाहिए वो मेरी क्या बननी चाहिए, स्पीड ऑफ क्या बननी चाहिए, मैन बननी चाहिए जी। बात समझ में आ रही है मैं क्या कहना चाहता हूं, क्या नहीं कहना चाहता, कर लोगे ऐसे क्वेश्चन। तो यहां पे स्पीड ऑफ मैन क्या आ रही है, 35, स्पीड ऑफ पानी की क्या थी, 40, सॉरी कितनी थी, 7। तो चेक करना स्पीड ऑफ डाउनस्ट्रीम जो बन जाएगी भाई वो क्या बन जाएगी, 35 और 7 कितना होता है, दैट इज 42 किलोमीटर पर आवर। जरा यहां पे भी भाई 3 को मल्टीप्लाई करके देखना कितने के साथ, 14 के साथ। तो दैट मीन्स क्या आंसर सेम आता है या नहीं आता जी, बिल्कुल सेम आएगा। चेक करो 14 × 3 कितना होता है, 42, और यही चीज हम यहां से भी सेटिस्फाई करा पा रहे। और ऐसे ही अगर मैं आपसे पूछता स्पीड ऑफ अपस्ट्रीम बताओ कितने से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 14 × 2 कितना हो जाता है, 28 किलोमीटर पर आवर। जरा यहां से निकालना, 35 - 7 तब भी कितना आता, 28 ही आता जी। बात पकड़ रहे हो मैं क्या कहना चाहता हूं, क्या नहीं कहना चाहता। और अगर बाय चांस यहां पे डिस्टेंस पूछ लेता तो चेक कर लो, डिस्टेंस दोनों मर्जी में से कहीं से भी निकाल लो, अगर स्पीड ऑफ डाउनस्ट्रीम हमारी आई है कितनी आई है, 42 किलोमीटर पर आवर। और चेक करना हमारा टाइम ऑफ डाउनस्ट्रीम क्या था, चेक करना टाइम ऑफ डाउनस्ट्रीम कितना था, 2 घंटे।
तो चेक करना जी मेरा जो डिस्टेंस है वो कितना आ जाएगा भाई, एक घंटे में अगर 42 कवर कर रहा हूं तो दो घंटे में कितना कवर करूंगा 84 किलोमीटर। तो अगर यहाँ पे डिस्टेंस की बात करता तो मेरा आंसर क्या आ जाता 84 किलोमीटर। मतलब एक झटके में कुछ मर्जी पूछ ले मेरे पास हर एक चीज का क्या होगा आंसर होगा। बस आपको एक कंसेप्ट समझ में आना चाहिए। कंसेप्ट क्या कहता है, कंसेप्ट कहता है पहले सारा काम जो है वो किसमें करो, रेशियोज में करो या अपनी मानी हुई सिचुएशन में करो, और उसको लास्ट में कन्वर्ट कर दो। किसमें कन्वर्ट कर दो, एक्चुअल सिचुएशन में। और जो जो भी चीज आपको चाहिए उतने का क्या बना दो मल्टीपल, आपका क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। कहानी का नोट करो फिर आगे चलेंगे, जल्दी से नोट करो। चलिए नोट कर लिया, बहुत बढ़िया। देखो जी बिल्कुल सेम क्वेश्चन लिखूंगा, बस अब क्वेश्चन की लैंग्वेज को थोड़ा सा पलट दूंगा। जरा देखना जी मैं लैंग्वेज में क्या कहना चाहता हूं। देखो अ बोट कवर्स, अ बोट कवर्स अ सर्टेन डिस्टेंस, a boat covers a certain distance in downstream and to cover the same downstream in certain time period, in certain time period, and to cover the same distance in upstream takes thrice of time, takes thrice of time, मतलब तीन गुना टाइम लेता है। तो यहां पे सिस्टम क्या बन गया, एक्चुअल टाइम के बनने है। इफ द स्पीड ऑफ बोट, इफ स्पीड ऑफ बोट in still water, if speed of boat in still water is 28/3, is 28/3 kilometer per hour, then find speed of water, then find स्पीड ऑफ वॉटर। निपटाओ, आपके पास 50 सेकेंड है, जल्दी से क्वेश्चन निपटा दो। देखो यार ये क्वेश्चन और पिछले क्वेश्चन में फर्क क्या था, पिछले क्वेश्चन में हमारे पास टाइम क्या था एक्चुअल था, जबकि इस क्वेश्चन में हमारे पास टाइम की गिवन क्या है रेशो गिवन है। तो भाई अगर हम एक्स वाई वाले मैथड से करते तो यहां पर हमें दो पैरामीटर्स एक्स और वाई लेट करने पड़ते, पर अगर हम कंसेप्ट से करेंगे तो भाई हमें दो पैरामीटर्स क्या एक भी पैरामीटर लेट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, हम डायरेक्टली आंसर निकाल लेंगे। बस इस क्वेश्चन को कर क्यों पाऊंगा या कर कैसे पाऊंगा, बिकॉज यहां पे एक ही पैरामीटर गिवन है जी, वो पैरामीटर क्या गिवन है कि डिस्टेंस क्या है सेम है। निपटाओ जल्दी से निपटाओ।
अभी बताया है कि अगर डिस्टेंस सेम होगा तो जो टाइम की रेशियो होगी उसके जो इनवर्स होगा वो किसकी रेशियो होगी, स्पीड के, या स्पीड की जो रेशियो होगी उसके जो इनवर्स होगा वो किसकी रेशियो होगी, टाइम के। अब देखो यहां पे क्या कह रहा है कि अगर एक बंदा डाउनस्ट्रीम जाता है और अगर वही डिस्टेंस अपस्ट्रीम कवर करता है तो अपस्ट्रीम कवर करने में उसे जो टाइम लगता है वो क्या लगता है, 3 गुना लगता है। इसका मतलब क्या है, अगर यहां पे 1 घंटा लगाएगा तो यहां पे घंटे कितने लगाएगा, 3। इसका मतलब टाइम की जो रेशो है वो क्या बन जाएगी, 1:3। और अगर टाइम की रेशो 1:3 बन जाएगी तो बताना स्पीड की जो रेशो है वो क्या बन जाएगी, 3:1। इसका मतलब क्या है कि अगर स्पीड ऑफ डाउनस्ट्रीम को हम 3 मान के चलते हैं तो स्पीड ऑफ अपस्ट्रीम जो है वही वो कितनी आ जाएगी, वही स्पीड ऑफ अपस्ट्रीम आ जाएगी 1। मतलब अगर ये 1 किलोमीटर पर आवर है तो भाई ये वाली कितनी होगी, 3 किलोमीटर पर आवर। तो क्या ये आप यहां से स्पीड ऑफ बोट एंड स्पीड ऑफ मैन निकाल सकते हो, बिल्कुल निकाल सकते हो। अभी तो सिखाया भाई 3 में से 1 माइनस कर दो कितना आएगा, 2। 2 का क्या कर दो, आधा कर दो, कितना आएगा, 1। तो बताना जरा जो स्पीड ऑफ वॉटर है जी वो कितनी बन जाएगी, दैट इज 1 किलोमीटर पर आवर। और अगर स्पीड ऑफ वॉटर 1 किलोमीटर पर आवर बन जाएगी तो क्या सिखाया था, स्पीड ऑफ अपस्ट्रीम में एक और ऐड कर दो, 1 और 1 कितना बन गया, 2। तो यहां से प्रूफ क्या हुआ कि अकेली जो बोट की स्पीड है वो कितनी आई, 2 किलोमीटर पर आवर, और अकेली जो पानी की स्पीड है वो कितनी आई, 1 किलोमीटर पर आवर। पर ये जो डाटा है ये वो डाटा है जो कि क्या है, माना हुआ आया है। तो अगर मुझे यहां से एक्चुअल डाटा पे जाना पड़ेगा तो कैसे जाऊंगा, तो चेक करना एक्चुअल में क्या कह रहा है, कहता है जी जो बोट की स्पीड है भाई साहब वो कितनी है, 28/3 किलोमीटर पर आवर। तो चेक करो, कहता बोट की स्पीड 2 नहीं, कितनी है, 28/3 किलोमीटर पर आवर है। तो चेक करो कितने से मल्टीप्लाई करूंगा, तो मैं यहां पे मल्टीप्लाई करूंगा कितने से करूंगा भाई, 2 को 28/3 बनाना है तो 2 को 28/3 बनाने के लिए कितने से मल्टीप्लाई करूंगा, 14/3 से। तो भाई यहां पे भी कितने से मल्टीप्लाई करूंगा, 14/3 से। तो दैट मीन्स जो हमारे पानी की स्पीड आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, 14/3 किलोमीटर पर आवर। ये क्या आ गई हमारे पानी की स्पीड, और भाई ये क्या आ गई हमारी बोट की स्पीड। और अगर बाय चांस डाउनस्ट्रीम भी निकालने को बोलेगा तो यहां पे भी कितने से मल्टीप्लाई कर दो, 14/3 से, 14 * 42 कितना बन गया, 42/3 किलोमीटर पर आवर। और अगर आपसे पूछता कि अपस्ट्रीम बताओ कितने से मल्टीप्लाई कर दोगे, 14/3 से, तो बताना जी कितनी आ जाएगी, 14/3 किलोमीटर पर आवर। पर अगर यहां पे पूछता जी, क्या पूछता बताओ, एक्चुअल टाइम कितना है। देखो जी यहां पे जो मैंने मल्टीपल बनाया है ये किसका बनाया है, स्पीड का बनाया है, तो क्या मैं यहां पे एक्चुअल टाइम निकाल सकता हूं, नहीं। क्यों नहीं निकाल सकता, बिकॉज मेरे पास स्पीड डिस्टेंस टाइम, अगर इसमें से कोई भी 2 पैरामीटर मिसिंग हो गए तब मैं तीसरे पैरामीटर पे जा सकता हूं। पर इस वाले केस में तो भाई मेरे पास टाइम की क्या थी, रेशो थी, पर मेरे पास क्या है, एक्चुअल स्पीड है। तो इसका मतलब इसमें से मेरे पास कोई भी 2 पैरामीटर गिवन नहीं है, सिर्फ 1 पैरामीटर गिवन है और 2 पैरामीटर मिसिंग है। तो क्या मैं बाकी के पैरामीटर्स निकाल पाऊंगा, नहीं निकाल पाऊंगा, बात समझ रहे हो। तो जी अगर इस क्वेश्चन इसको मैं पूछता कि बताओ टाइम कितना होगा, डिस्टेंस कितना होगा, तो आपका आंसर क्या बनता, कैन नॉट बी डिटरमाइंड। भाई आप यहां पे ना तो टाइम निकाल पाओगे और ना ही आप यहां पे क्या निकाल पाओगे, डिस्टेंस निकाल पाओगे। हाँ सिर्फ हम क्या निकाल पाएंगे, स्पीड निकाल पाएंगे। क्या ये बात समझ में आ रही है जी, मैं क्या कहना चाहता हूं क्या नहीं, प्लीज जल्दी से नोट करो, फिर अगली टाइप पे चलेंगे। देखो जी अगली टाइप नहीं होगी जी, अगला मैं आपको एक और क्वेश्चन करवाऊंगा, क्वेश्चन ऐसा ही होगा, बस लैंग्वेज को पूरा बोल्ड कर दूंगा, जल्दी से नोट करो, आगे चलेंगे। लिखिए जी अगला क्वेश्चन क्या है, अगले क्वेश्चन पे 2 स्टार मार्क कर लीजिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 3 cities ए बी सी आर सिचुएटेड ऑन अ बैंक ऑफ अ रिवर, 3 cities
A, B and C are situated on a bank of a river. D is at midpoint. D is at midpoint A man starts from A and goes to C in 4 hours. And the same man starts from point A and goes to point B and comes back to point A and takes total of 10 hours if the speed of man in still water is 25 km/h then find speed of water कर ट्राई करो बहुत अच्छा क्वेश्चन है जी प्योरली कंसेप्ट लगेगा कोई एक्स वाई जेड कुछ नहीं लगाना आराम से हो जाएगा बस कंसेप्ट फॉलोअप करना जी निपटाया जी बहुत बढ़िया समझ रहा हूं मैं निपटाया कि नहीं अब देखो यहां पे आपकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या आ रही होगी सर सो डिस्टेंस तो सेम नहीं है भाई ध्यान से देखो आपको खोजना पड़ेगा ढूंढना पड़ेगा आपको सब कुछ मिलेगा जो पुराने क्वेश्चन में था कैसे चलते हैं मैं कहता हूं जी
एक समुद्र का किनारा है, अब यहां पे समुद्र का किनारा ही क्यों लिया गया, ताकि वहां पे आपकी कश्ती चल सके। वहां पे तीन जगहें हैं, एक है जगह ए, एक है जगह बी और एक है जगह सी। मैं पहले क्लियर कर रहा हूं जी, जो जगह बी है वो जगह ए और सी के कहां पे है, मिड पॉइंट में। मतलब ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस क्या है, सेम है। पॉइंट ए से सी तक जाने का, सी से ए तक आने का डिस्टेंस सेम है। पॉइंट ए से बी का, बी से ए का डिस्टेंस सेम है। बी से सी का, सी के बी, सी से बी का डिस्टेंस क्या है, सेम है। बिकॉज यहां पे साफ साफ गिवन है जी, क्या गिवन है कि जो बी है वो क्या है, मिड पॉइंट है। किसके बीच में जी, ए बी सी के बीच में। यही यहां पे मेन फंडा था। कहता अब एक बंदा स्टार्ट करता है पॉइंट ए से और पॉइंट सी तक जाता है जी, ए से सी तक जाने में वो कितने घंटे लगाता है, 4 घंटे। मैं कहता हूं जी इस तरफ जाना ही क्या है, पानी की दिशा में जाना है। मतलब इस तरफ जाना क्या हो गया, डाउनस्ट्रीम। और अगर मैं इसके ऑपोजिट आऊंगा तो इसके ऑपोजिट आना ही मेरा क्या हो गया, अपस्ट्रीम। क्या यहां तक बात समझ में आ रही है? मतलब अगर मैं ए से बी जाऊंगा तो डाउनस्ट्रीम जाऊंगा, बी से सी जाऊंगा डाउनस्ट्रीम जाऊंगा, बी से ए आऊंगा अपस्ट्रीम आऊंगा, सी से बी आऊंगा अपस्ट्रीम आऊंगा। यहां तक बात समझ में आ रही है मैं क्या कह रहा हूं? अब काफी लोग कह रहे हैं कि सर कहां लिखा हुआ है। अरे चाहे उल्टा मान लो यार, क्या फर्क पड़ता है। लो मैं ऐसे अपस्ट्रीम मान लेता हूं, ऐसे डाउनस्ट्रीम मान लेता हूं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आगे चलते हैं। कहता भाई साहब ए से सी तक जाने में 4 घंटे लेते हैं। अच्छा एक बात बताओ, अगर बी क्या है, मिड पॉइंट है, और अगर मैं ए से सी तक जाने में 4 घंटे ले रहा हूं, तो बताना ए से बी तक जाने में कितने घंटे होंगे भाई, क्या होगा टाइम, क्या होगा, आधा होगा। तो ऐसे ही बी से सी तक जाने में भी घंटे कितने होंगे जी, 2 घंटे होंगे। बिकॉज अगर मैं सपोज करो पटियाला से चंडीगढ़ तक जाता हूं, मैं 2 घंटे लेता हूं, तो बताना पटियाला से चंडीगढ़ के बीच में क्या आ रहा है, बनूड आ रहा है। तो बनूड तक जाने के लिए मैं कितना टाइम लूंगा, 1 घंटा लूंगा। बात समझ लो मैं क्या कहना चाहता हूं। कहता सेम मैन स्टार्ट्स फ्रॉम पॉइंट ए एंड गोज टू पॉइंट बी एंड कम्स बैक टू पॉइंट ए एंड टेक्स अ टोटल ऑफ 10 आवर्स। मतलब सेम बंदा ए से बी पे गया जी, फिर बी से वापस ए पे आया, यहां से लेके यहां तक जाने में और यहां से लेके यहां तक आने में तो जो उसने टोटल टाइम लिया वो कितना लिया, 6 घंटे लिया। तो अब आप ही बताओ ए से बी तक जाने में अगर 2 घंटे हैं तो बी से ए तक आने में घंटे कितने हो जाएंगे, 4। तभी जाके मैं टोटल क्या बना पाऊंगा, 6 बना पाऊंगा। तो ऐसे ही अगर मैं आपसे पूछूंगी बताओ सी से बी तक आने में कितने घंटे लगेंगे जी, तब भी आपका आंसर क्या होगा जी, 4 घंटे। ये सारे मैं एक्चुअल पैरामीटर्स की बात कर रहा हूं, बिकॉज यहां पे भी क्या गिवन है, एक्चुअल पैरामीटर गिवन है। अब वो क्या कहता है, इफ द स्पीड ऑफ मैन इन स्टिल वाटर, कहता अगर मैन की जो स्पीड है वो खड़े हुए पानी में कितनी है, 25 किलोमीटर पर आर है जी। अगर अकेले मैन की जो स्पीड है वो कितनी है, 25 किलोमीटर पर आर है, तो कहता बताओ जी पानी की जो स्पीड होगी जी वो कितनी होगी, यही पूछ रहे। एंड फाइंड द स्पीड ऑफ वाटर। अब शायद समझ में आ रहा होगा कि यार ये तो पुराना क्वेश्चन ही था। क्यों पुराना क्वेश्चन था, अगर मैं यहां से यहां तक जाने में 4 घंटे ले रहा हूं तो बताना यहां से यहां तक आने में कितने घंटे लूंगा, 8 घंटे। इसका मतलब क्या है, टाइम टेकन टू कवर ए टू सी इन डाउन स्ट्रीम कितने घंटे हैं, 4 घंटे। तो सी से ए आने में कितने घंटे हैं, 8 घंटे। चेक करना दोनों जगह पे डिस्टेंस क्या है, सेम। तो चेक करना टाइम की रेशो क्या बन जाएगी, 1:2। और अगर टाइम की रेशो 1:2 है तो बताना स्पीड ऑफ डाउनस्ट्रीम अपस्ट्रीम की रेशो क्या बन जाएगी, 2:1। अब कहोगे सर ये उठा लो, भाई चाहे आप ये उठा लो चाहे आप ये उठा लो जी, स्पीड की रेशो हमेशा क्या रहेगी, सेम रहेगी। बिकॉज चाहे मैं यहां से यहां तक जाऊं, चाहे मैं यहां से यहां तक गया हूं, तो स्पीड क्या है मेरी, सेम है। लो मैं ये उठाता हूं, तो चेक करना यहां से यहां तक जाने में टाइम कितना है, 2 घंटे। यहां से यहां तक आने में टाइम कितना है, 4 घंटे। तो बताना जरा यहां पे टाइम की रेशो क्या बनी, 1:2। तो अगर मैं स्पीड की बात करूं तो स्पीड की क्या रेशो हो जाएगी, उल्टी, कितनी बन जाएगी, 2:1। तो जी यहां से काम करते हैं डाउनस्ट्रीम और क्या है, अपस्ट्रीम। तो चेक करना जी टाइम की जो रेशो बनी वो हमारी क्या निकल के आई, चाहे आप यहां से उठा लो भाई, चाहे आप यहां से उठा लो, बात क्या है, सेम है। तो रेशो क्या बन जाएगी, रेशो बन जाएगी 1:2।
तो बताना जी स्पीड की जो रेशियो है वो कितनी बन जाएगी, 2:1। चेक करना क्या पुराना क्वेश्चन बन गया, बिल्कुल बन गया। अब स्पीड ऑफ डाउनस्ट्रीम अगर 2 है तो बताना स्पीड ऑफ, भाई स्पीड ऑफ अपस्ट्रीम कितनी होगी, 1 होगी। अब आप ही बताओ क्या मैं यहां से स्पीड ऑफ मैन एंड स्पीड ऑफ वॉटर, सॉरी स्पीड ऑफ बोट एंड स्पीड ऑफ वॉटर निकाल सकता हूं, बिल्कुल निकाल सकता हूं। 2 में से 1 गया, कितना होता है 1, 1 का आधा कितना हो जाएगा 0.5, और यहां पे कितनी हो जाएगी 1 प्लस आधा कितनी हो जाएगी 1.5 किलोमीटर पर आर। मतलब बोट की जो स्पीड है भाई वो हमारी कितनी आई है 1.5 किलोमीटर पर आर, और पानी की जो स्पीड है वो कितनी आई है 0.5 किलोमीटर पर आर। पर भाई साहब यहाँ पे क्या कह रहे हैं, अच्छा यहाँ पे बोट नहीं है भाई, यहाँ पे क्या है मैन है, मैन है बोट है भाई, मैन है। तो जी यहाँ पे जो मैन की स्पीड आई है वो कितनी आई है 1.5 किलोमीटर पर आर, पर कहता मैन की जो स्पीड है वो 1.5 नहीं भाई, वो कितनी है 25 किलोमीटर पर आर है। तो चेक करो मानी हुई सिचुएशन को एक्चुअल में कन्वर्ट करने के लिए। अब देखो कन्वर्ट कैसे करना होता है, पहले मुझे 1.5 खत्म करना होगा तो मैं किससे डिवाइड कर दूंगा 1.5, फिर मुझे 25 क्रिएट करना है किससे मल्टीप्लाई कर दूंगा 25। अब ये जो पॉइंट है हटके जीरो कहां चली जाएगी ऊपर, कितने पे गया 5 पे गया, 5 × 5 = 25 जीरो, 5 × 3 = 15। तो चेक करना कितने का मल्टीपल हो गया 50/3। तो जी यहां पे भी एक्चुअल वैल्यू निकालने के लिए कितने से मल्टीप्लाई कर दो 50/3, चेक करना 5/10 ये कहां से आया 0.5 को लिखा है इंटू 50/3, चेक करना जीरो से क्या कट गई जीरो। तो जी आंसर क्या बन जाएगा 25/3 किलोमीटर पर आर जो आ जाएगा, ये क्या आ जाएगा भाई, ये हमारे पानी की स्पीड आ जाएगी, कहानी खत्म। अच्छा अगर बाई चांस यहां पे स्पीड ऑफ डाउनस्ट्रीम पूछता तो चेक करना स्पीड ऑफ डाउनस्ट्रीम हमने मानी कितनी थी 2, तो 2 को भी कितने से मल्टीप्लाई कर दूंगा 50/3, चेक करना कितनी आ जाएगी 100/3 किलोमीटर पर आर। और अगर मैं यहां पे अपस्ट्रीम की बात करता, अपस्ट्रीम में स्पीड कितनी होगी तो कितने से मल्टीप्लाई कर दूंगा 50/3, कितनी आ जाएगी 50/3 किलोमीटर पर आर। क्या मैं यहां पे डिस्टेंस निकाल सकता हूं, बिल्कुल निकाल सकता हूं। देखो जी अगर मेरी स्पीड ऑफ डाउनस्ट्रीम जो है भाई कितनी आई थी 2 × 50/3 कितनी बनी थी 100/3 किलोमीटर पर आर, और अगर मैं स्पीड ऑफ अपस्ट्रीम की बात करूं, चेक करना जी कितनी आई थी मेरी स्पीड ऑफ अपस्ट्रीम, दैट इज 50/3 किलोमीटर पर आर। तो अगर मैं स्पीड ऑफ डाउनस्ट्रीम की बात करूं और स्पीड ऑफ अपस्ट्रीम की बात करूं तो यहां से लेके यहां तक पहुंचने में एक्चुअल में कितने घंटे लगे हैं 4, कितने की स्पीड पे 100/3। तो क्या मैं यहां पे डिस्टेंस निकाल पाऊंगा, डिस्टेंस इज इक्वल्स टू स्पीड इंटू टाइम, कितना बन जाएगा यहां से लेके यहां तक का जो डिस्टेंस होगा वो कितना होगा 400/3 किलोमीटर। और अगर मैं यहां से यहां तक की बात करूं तो 400/3 का क्या हो जाएगा आधा, यानी कि 2 घंटे में अगर कवर करना है तो कितना बन जाएगा 200/3। तो अगर मुझे यहां पे डिस्टेंस भी पूछेगा कितना आ जाएगा ये वाला 200/3 किलोमीटर, और ये भी कितना होगा 200/3 किलोमीटर। अगर आपको यहां से करना है यहां से कर लो, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम, 50 × 4 कितना होता है 200/3 किलोमीटर ही होता है। मैं कहता हूं इस क्वेश्चन में पूछे तो सही, हमसे क्या पूछेगा भाई, कुछ मर्जी पूछे हमारे पास हर एक क्वेश्चन का आंसर है भाई। समझ में आया मैं क्या कहना चाहता हूं क्या नहीं, ये काफी अच्छा क्वेश्चन था, क्वेश्चन को बस थोड़ा सा आगे एक्सटेंड किया हुआ था कंफ्यूज करने के लिए, उसने यहाँ पे कंसेप्ट तो पिछला ही यूज करना था पर कंफ्यूज करने के लिए उसने क्या कर दिए 2 पार्ट दे दिए और कुछ भी नहीं किया। चलो जल्दी से नोट करो फिर आगे चलेंगे, शाबाश नोट करो। ये हमारी मेरे ख्याल से टाइप 4 है मेरे अकॉर्डिंग, टाइप 3 या टाइप 4 है, नोट करो यार। हमें इस चीज से मतलब नहीं है कि टाइप कौन सी है, बस हमें इससे मतलब है कि कौन सी वैरायटी के ऊपर हम अप्रोच क्या लगाएंगे क्या नहीं लगाएंगे। जल्दी से नोट करो,
लिखिए जी अगला क्वेश्चन। देखिए लास्ट वैरायटी शुरू करने जा रहे हैं, पर इस लास्ट वैरायटी में हम तीन वैरायटीज पढ़ेंगे और इसी के साथ फिर लास्ट में टाइटैनिक वाला क्वेश्चन करेंगे, ठीक है? और वो क्वेश्चन करके हमारा बोट एंड स्ट्रीम क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो मोस्ट प्रोबेबली अगले लेक्चर में हमारा खत्म होगा, आज हमारा खत्म नहीं होगा, ठीक है? चलो शुरू करते हैं। देखो जी टाइप फाइव होगी मेरे ख्याल से, अ बोट गोज 6 किलोमीटर अपस्ट्रीम, and back again to the starting point in 2 hours. आगे देखें, if the speed of water is 4 km/h then find the speed of boat. जी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आप ये कह सकते हो कि जो मेरे टाइप फाइव है उसका फर्स्ट वैरायटी का क्वेश्चन है, जहां पे एक बंदा इस पॉइंट से इस पॉइंट तक जाता है और इस पॉइंट से इस पॉइंट पे वापस आता है, तो दोनों में गिवन क्या है, डिस्टेंस सेम है। अगली वैरायटी जो होगी उसमें क्या होगा, यहां से यहां तक जाने का और यहां से वापस आने का डिस्टेंस क्या होगा, अलग अलग होगा। तो वहां पे भी चलेंगे काम, कैसे करना है कैसे नहीं। लिखिए जी ऑप्शन क्या क्या है, बखूबी सर ऑप्शन जो लिखवा रहे हो बताऊंगा जी बताऊंगा। लिखिए जी पहला क्या है, 6.5 किलोमीटर/h। अगला लिखिए जी 6 किलोमीटर/h। नेक्स्ट लिखिए जी 8 किलोमीटर/h और जी लास्ट ऑप्शन है 8.5 किलोमीटर/h। नोट करिए, जल्दी से नोट करिए। ये क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार बैंक के पेपर्स में भी आते हैं, ठीक है? और एसएससी भी ऑलमोस्ट डाल देता है, और फिर ज्यादातर आपके पेपर्स में तो बहुत आता है, मतलब स्टेट के एग्जाम्स में तो बहुत आ जाता है सेम क्वेश्चन। चलिए स्टार्ट करते हैं। कहता एक बंदा है वो इस पॉइंट से इस पॉइंट पे जाता है और वापिस इस पॉइंट पे आता है और चेक करना कितना है भाई, 6 किलोमीटर ही अपस्ट्रीम और 6 किलोमीटर ही डाउनस्ट्रीम। पर यहां पे सिस्टम क्या कह रहा है कि हमें टोटल क्या दे दिया, टाइम दे दिया, कितना दे दिया जी, चेक करना टाइम कितना है, 2 घंटे। शायद आप समझ पा रहे होंगे कि पिछले हमने जितने भी क्वेश्चंस किए हैं उसका रिवर्स कर दिया। रिवर्स क्या कर दिया जी, यहां पर डिस्टेंस तो क्या है, जी डिस्टेंस तो क्या है सेम है, पर यहां पे डिस्टेंस सेम की जगह पे, सॉरी डिस्टेंस तो क्या है सेम है, पर यहां पे स्पीड की रेशो या टाइम की रेशो की जगह पे हमें क्या दे दिया, एक्चुअल डिस्टेंस ही दे दिया। मतलब अब हमें डिस्टेंस और टोटल टाइम से कहां पे जाना है, स्पीड पे जाना है। बात समझ रहे हो मैं क्या कहना चाहता हूं, चलते आगे। कहते तो बताओ फाइंड द स्पीड ऑफ द बोट, अगर पानी की जो स्पीड है वो कितनी है जी, 4 किलोमीटर/h। यहां समझ पाए, अब मैं कहता हूं अगर यहां से यहां तक जाने में ये क्या है स्पीड ऑफ डाउनस्ट्रीम, तो जी वापस आने में स्पीड ऑफ क्या होगी, अपस्ट्रीम। तो चलते हैं जी, इसका मतलब क्या हुआ, टाइम टेकन व्हाइल गोइंग डाउनस्ट्रीम
टाइम टेकन वाई गोइंग अपस्ट्रीम किसके बराबर होगा, 2 घंटों के। और टाइम किसके बराबर होता है, टाइम इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो चेक करना डिस्टेंस कवर कितना किया, 6, और चेक करना स्पीड कितनी है जी, यहाँ पे पानी की स्पीड है 4, तो बोट की स्पीड क्या है, मैं मान लेता हूं बी, तो क्या बन जाएगा, बी प्लस 4। और ऐसे ही यहां पे चलता हूं, चेक करना क्या बन जाएगा, 6 बटा जी क्या बन जाएगा, बी माइनस 4, चेक करना किसके बराबर होगा, 2। क्या ये सबको समझ में आया कि कैसे बना कैसे नहीं बना, मैंने कुछ भी नहीं लिखा, टोटल टाइम बराबर था 2 घंटों के। टाइम किसके बराबर होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, और यहाँ पे स्पीड ऑफ डाउनस्ट्रीम है तो बोट और पानी की स्पीड ऐड होती है, और यहाँ पे स्पीड ऑफ अपस्ट्रीम है तो बोट और पानी की स्पीड क्या होती है, माइनस। जरा अब हमें करना क्या है, इसको सॉल्व करना है, तो जरा चलो जी पहले इसको सॉल्व करते हैं, आ जाओ इधर आ जाओ, सॉल्व करते हैं। देखो जी सॉल्व कैसे करेंगे, मुझे साफ साफ दिखाई दे रहा है क्या बन जाएगा, नीचे वालों का क्या उठाते हैं एलसीएम, क्या बन गया, बी प्लस 4 इंटू बी माइनस 4, और ऊपर क्या बन गया, मैं क्या करता हूं जी, ऊपर बन गया 6 इंटू क्या बन गया, बी माइनस 4 प्लस 6 इंटू क्या बन गया, बी प्लस 4। मैं काम करूं थोड़ा आसान करने के लिए, इस 6 को उधर ले जाता हूं, क्या बन जाएगा, 2 बटा 6, बिकॉज 6 यहां से भी कॉमन निकल गया, 6 यहां से भी कॉमन निकल गया, तो 6 अगर यहां पे आ गया, अगर इधर मल्टीप्लीकेशन में इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड। भाई सही लिखा कि नहीं लिखा जी, बिल्कुल सही लिखा है। आगे चलते हैं, 2/6 क्या होता है, सबको पता है जी, 2/6 होता है 1/3, और यहाँ पे प्लस 4 से क्या कट गया, माइनस 4, तो चेक करना यहाँ पे बना क्या, बी प्लस बी क्या बन गया, 2b, और चेक करना नीचे क्या बन रहा है, ए प्लस बी, ए माइनस बी क्या होता है, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर क्या बन गया, बी का स्क्वायर माइनस 16 किसके बराबर आया, 1/3। देखो कैलकुलेशन को आसान कर रहा था और कुछ भी नहीं जी, क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूं तो चेक करना क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे क्या बन जाएगा, इधर क्या बन जाएगा, बी का स्क्वायर माइनस 16, और दूसरी साइड क्या बन जाएगा, 6b। तो यहां पे जो इक्वेशन बन के आई वो क्या बन के आई, बी का स्क्वायर माइनस 6b माइनस 16 इज इक्वल टू 0। अब मुझे क्या करना है, चेक करो ये जो इक्वेशन बनी कौन सी बनी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी, और मुझे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के क्या निकालने हैं, फैक्टर्स निकालने हैं। तो जी सबको पता है कि फैक्टर्स कैसे निकालते हैं, बी का स्क्वायर माइनस 6b माइनस 16। भाई आगे जाके क्लासेस में आपको इसका शॉर्टकट भी बता दूंगा, पर अभी बेसिक से कर लो, क्यों कर लो, बिकॉज हमें मैथड फॉलो नहीं करना हो। तो जरा सॉल्व करते हैं, चेक करना क्या बनेगा जी, 8 दूनी क्या होता है, 16, बिल्कुल बन गया जी, बी का स्क्वायर माइनस 8b प्लस 2b माइनस 16 इज इक्वल टू 0। अब कहोगे सर 8 और 2 कैसे आए, भाई सिस्टम क्या होता है, 16 मल्टीप्लाई बाय 1, और 16 क्या बन जाएगा, 16 इंटू 1 क्या बन गया, 16। 16 को ऐसी वैल्यूज में तोड़ो ताकि उनको मल्टीप्लाई करने पे क्या बने, कि 16 बने, पर प्लस या माइनस करने पे क्या बने, 6 बने। देखो हमने वही तो काम किया, सॉल्व करते हैं, चेक करना बन क्या गया, बी इंटू बी माइनस 8 प्लस 2 इंटू बी माइनस 8 इज इक्वल टू 0। तो चेक करना यहां से एक बी की वैल्यू क्या आ गई, माइनस 2, और एक बी की वैल्यू क्या आ गई, 8। भाई माइनस में स्पीड है नहीं हमारी यहां पे, तो यहां पे बी की वैल्यू क्या बन जाएगी, 8 किलोमीटर पर आवर, ये हमारा क्या आ जाएगा आंसर। भाई सबको समझ में आया मैं क्या कहना चाहता हूं, क्या नहीं कहना चाहता, बहुत आसान सा क्वेश्चन था, पर मैं क्या कहूंगा, ये तो फॉलो ही मत करो, बकवास है। आप सीधा ही यहां पे काम क्या कर लो भाई, बाय ऑप्शन या ऑप्शंस पुट करके काम कर लो। भाई आगे जाके मैं आपके पास ऐसी पॉसिबिलिटीज भी छोड़ दूंगा कि आपके पास ये दोनों वैल्यूज ही गिवन नहीं होंगी, तो वहां पे काम करना मैं आपको वो भी सिखाऊंगा, पर अभी इन दोनों में से एक वैल्यू तो हमारे पास है, हमें क्या निकालनी है, दूसरी वैल्यू निकालनी है, तो ऑप्शन पुट करके कर लो। अब देखो ऑप्शंस कैसे पुट करते हैं, चलो पहले मैं 6 पुट करता हूं, क्या बना, 6 और 4 कितना बन गया, 10, तो ये क्या बन गया, 6/10 प्लस 6 बटा कितना बना, 6 माइनस 4 कितना होता है, 2, क्या बन गया, 6/2, 2 दिया 6, चेक करना क्या ये 2 के बराबर कभी आ पाएगा, नहीं, प्लस में है और ये वैल्यू 3 से बड़ी ही जाएगी, तो इसका मतलब क्या है, 6 तो ऑप्शन नहीं होगी। आगे चलते हैं 8 पुट करते हैं, क्या बन गया, 6/8 और 4 कितना बन गया, 12 प्लस 6/8 माइनस 4 कितना होता है, 8 माइनस 4 कितना होता है, 4, जरा सॉल्व करते हैं,
चेक करना कितना बन गया, 6 1 6, 6 2 12 कितना होता है 0.5, प्लस कितने पे गया 2 3 6, 2 2 4 कितना होता है 1.5, 0.5 और 1.5 कितना आता है 2। क्या सेटिस्फाई कर गया? बिल्कुल सेटिस्फाई कर गया। इसका मतलब मुझे एक काम करने की जरूरत ही नहीं थी, मेरा सीधा ही आंसर यहां से क्या आ जाता, 8। भाई सबको समझ में आ रहा है कि मैं क्या कहना चाहता हूं क्या नहीं कहना चाहता? तो इस तरीके से क्वेश्चंस आपको करने होंगे, पर ऐसे क्वेश्चंस की पहचान क्या है, आते हुए और जाते हुए आपका डिस्टेंस क्या होगा, सेम होगा, और आपके पास गिवन क्या होगा, टोटल टाइम, और भाई कंबाइंड डिस्टेंस ही होगा, आते हुए कितना है 6 और फिर जाते हुए फिर से कितना है 6। बात समझ रहे हो मैं क्या कहना चाहता हूं क्या नहीं कहना चाहता? चलो भाई मेरे ख्याल से आज का लेक्चर आपको समझ में आया होगा कि हम क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे जी। अगला लेक्चर जो है आपका बोट एंड स्ट्रीम्स का लास्ट लेक्चर होगा, और उसमें मैं आपको थोड़े खतरनाक वाले क्वेश्चंस करवाऊंगा और उनकी अप्रोच पे लेके चलूंगा कि उनकी अप्रोच को फॉलोअप कैसे करना है कैसे नहीं करना। ठीक है, चलो भाई आज के लेक्चर के क्वेश्चंस एक बार प्लीज रिवाइज कर लेना और रिवाइज करके ही काम करना, ठीक है, अदरवाइज काम मत करना जी। अगले लेक्चर में आपके पहले तीनों के तीनों लेक्चर्स क्या होने चाहिए, रिवाइज होने चाहिए, तभी हम अगले लेक्चर पे चलेंगे, और अगला लेक्चर हमारा बोर्ड एंड स्ट्रीम का क्या होगा, लास्ट होगा। चलो थैंक यू जी लेक्चर के लिए, मिलते हैं जी अगले लेक्चर में, बाय, टेक केयर, ध्यान रखिए जी अपना, बाय जी, बाय।